अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूँ यासिर अहमद। नाजिम, मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हो चुकी है। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान शफकत अली और आबिद अली के होलनाक इंकशाफात ने पाकिस्तानी आवाम को शदीद गम व गुस्सा में मुबतला कर दिया है। मुलजिमान कितनी वारदातें सरंजाम दे चुके हैं और उनके जराइम की लिस्ट कितनी तवील है, आज हम आपको इसी हवाले से आगाही देने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज्यादती केसेस में इजाफे पर ख़तरनाक सज़ा का बिल पास करवाने की हमायत कर दी है। अब ज्यादती के मुर्तकब मुलजिमान को नामर्द बना दिया जाएगा, क्या ऐसे मुजरिम को ये सज़ा देना जायज़ है? माशरे के इस बिगाड़ से नौजवान नसल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और इसका हल क्या है? आज की वीडियो में इसी संजीदा मौजू को डिस्कस किया जाएगा, मगर इससे पहले हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खत्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मोटरवे पर चंद रोज कबल पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक्य के हवाले से आए रोज अहम और नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। खड़ी गाड़ी से खातून को निकाल कर उसी के बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, तहम अभी भी इस केस की गुत्थियां सुलझ न सकी। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान ऐसे ऐसे होलनाक इंकशाफात कर रहे हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। इस केस के दो मरकजी मुलजिमान आबिद अली और शफकत अली गुज़श्ता रोज की इत्तला'आत के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस के सामने खातून से ज्यादती का इतराफ़ कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शफकत अली नामी मुलजिम जिला भावल नगर तहसील हारूनाबाद का रहायशी है। शफकत अली ने पुलिस को बताया कि मैं और आबिद अली ने मिलकर मोटरवे पर डकैती की थी और वाकये का मरकजी मुलजिम आबिद अली जुराय में मेरा साथी है। पहले हमने डकैती और बाद अदा हमने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक शफकत अली आदि मुजरिम रहा है, माजी में भी ऐसे जुराय का मुर्तकिब है। चाहे वो कुआं से लिए गए खून के सैंपल्स और डीएनए टेस्ट शफकत अली के डीएनए से मैच हो चुके हैं और पुलिस मजीद कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, इस केस में मुलजिम वकाउल हसन की निशानदेही पर शफकत अली नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया और यूं पुलिस शफकत अली की मदद से केस की तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। ये तमाम अपराध कई वारदातों में मुलविस रह चुके हैं। शफकत अली ने खुद एतराफ़ किया कि उसने और आबिद अली ने 11 वारदातें मिलकर की हैं और मोटरवे पर होने वाला हालिया वाकया भी इन दोनों की कारस्तानी है। पुलिस ने वकारुल हसन के साले अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब्बास के जेरे इस्तेमाल सिम वकारुल हसन के नाम पर चल रही थी। वकारुल हसन की वालदा ने बताया कि उनके बेटे की किला स्टार शाह में मोटरसाइकिल मुरम्मत की दुकान है। वकार की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। हुकूमत से अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ फराहम किया जाए। तहम पुलिस ने वकारुल हसन को रिहा करने से इनकार करते हुए मौकफ अख्तियार किया कि उसने वारदात में अपने साथियों की मुआवनत की है, लिहाजा ये भी शरीक जुर्म है। पुलिस ने यह इंकशाफ भी किया कि शफकत अली और उसका खानदान पंजाब में मुख्तलिफ गैंग्स के साथ मुंसलिक रह चुका है और ये खानदान कई किस्म की वारदातों में मतलूब था। मोटरवे ज्यादती केस में एक और अहम तरीन पेशरफ्त ये भी हुई है कि पुलिस ने वारदात से कबल वापस चले जाने वाले मुलजिम इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया है। तहम वो इससे कबल आबिद अली के साथ 2 वारदातों में मुलविस रहा है। इकबाल नामी मुलजिम से 10 मोबाइल सिमें बरामद हुई, जिनके डेटा से ये मालूम हुआ कि इकबाल उन्हीं सिमों के इस्तेमाल से आबिद अली से राब्ते में था। यहाँ ये अमर काबिले जिक्र है कि पुलिस की जाने से मरकजी मुलजिम आबिद और वकारुल हसन की तस्वीर जारी की गई थी। तस्वीर जारी होने के अगले ही रोज वकारुल हसन CIA थाना मॉडल टाउन में अजखुद पेश हो गया और उसने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए DNA का मुतालबा किया। मुलजिम वकारुल हसन का DNA मैच नहीं हुआ और उसने कहा कि वो इस वारदात में मुलविस नहीं, जबकि मुतासरा खातून ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इस केस में पुलिस के किरदार को भी मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। ये भी हकीकत है कि पुलिस अफसर के रिमार्क्स ने इस दरिंदगी को बिलवास्ता जवाब देने की कोशिश की। पूरी कौम को पुलिस अफसर के रवैये से बजा तौर पर सदमा पहुंचा, लेकिन इसके बारे में फैसला करने वाले आला हुकाम शायद इस मसले की शिद्दत से अभी तक आगाह नहीं। यही वजह है कि इस बारे में किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया, जबकि इस साने के बाद पूरे पाकिस्तान में शोरगुल सुनाई दिया कि ज्यादती के केसेस में होशनुमा इजाफा हो चुका है। दरिंदा सिर्फ मर्द, मासूम कलियों को भी मसलने से बाज नहीं आते, लिहाजा इस पर सख्त एक्शन लेते हुए सरेआम फांसी और दीगर सख्त सजाएं मुकर्रर की जाएं, ताकि ऐसे अपराध को लगाम दी जा सके। इस हवाले से एक खबर ये है कि पाकिस्तानी वजीर आजम जनाब इमरान खान ने वाकये का आज खुद नोटिस लेते हुए बड़ा फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के कानून की हिमायत कर दी है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कानून बनाने की हिमायत करने के बाद वफाकी वजीर फैसल बावडा ने बिल के ड्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। फैसल बावडा ड्राफ्ट को मुकम्मल करने के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे।
इस हवाले से फैसल वाबडा ने लिबरल इदारों और तंजीमों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इंसानी हकूक के लिबरल चैंपियन ना आए तो फांसी का बिल मंजूर करा लेंगे और अगर फांसी का बिल मंजूर ना हुआ तो ना मर्द बनाने का फैसला मंजूर करवाएंगे। हुकूमत ने बिल की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है जबकि खान साहब ने बजाते खुद तजवीज दी कि ज्यादती के मुर्तकिब शख्स को नामर्द बनाने की सजा सबसे बेहतरीन है। दोस्तों अगर हकायक पर नगाह दौड़ाई जाए तो पंजाब में जुराइम का उभरता हुआ ग्राफ भी बहुत से सवालात उठाता है। जुलाई 2020 के दौरान जुराइम में इजाफा देखा गया। खुद पुलिस रिपोर्ट बताती है कि 6 माह में 16,000 से ज्यादा अपराध कत्ल किए गए। अगवा की 5,862 वारदातें हुई। अस्मत दरी के 1,445 वाकयात रिपोर्ट हुए। 6,700 डकैतियां हुई। मुख्तलिफ नौयत के जुराइम की तादाद 2,00,000 से ज्यादा रही। इन अदादो शुमार ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है जबकि वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स दुनिया के जुराइम पर नजर रखने वाला एक मोतबर अदारा है। इसके एक जायजे के मुताबिक पंजाब में तेजी से बिगाड़ आया। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स ने दुनिया के 319 बड़े शहरों का जायजा लिया जिनमें पाकिस्तान के 3 शहर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल थे। रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात किए गए कि जुराइम में इजाफे के हवाले से लाहौर पहले नंबर पर रहा और इसने कराची को भी मात दे दी। अमन आमा की सूरत हाल के जिमन में इस्लामाबाद 6 दर्जे और कराची 11 दर्जे नीचे आया जबकि लाहौर की गिरावट 36 पॉइंट रही। आलमी जुराइम दर्जा बंदी में 2018 में लाहौर 138वें नंबर पर था जबकि 2019 में जुराइम की शरह में इजाफे के बाद 74वें नंबर पर आ गया है। दिसंबर 2019 में जारी होने वाली रिपोर्ट बताती है कि साल के पहले 10 माह में पंजाब में जुराइम की शरह में इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर 4,00,000 से ज्यादा जुराइम सरजद हुए। गुज़श्ता साल 2018 की निस्बत जुराइम की तादाद में तकरीबन 75,000 का इजाफा हुआ। आगे चलकर ये रिपोर्ट बताती है कि लाहौर में मजमूई तौर पर सिर्फ 2% इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट में 2018 और 2019 में होने वाले जुराइम का तकाबली जायजा भी पेश किया गया। उधर पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 के पहले 6 माह में जुराइम में इजाफे की शरह 18.7% रही। इन अदादो शुमार से अंदाजा होता है कि पंजाब बिलखसूस इसके दारुल हुकूमत लाहौर की सूरत हाल अच्छी नहीं। सियासी प्रोपोगंडे और अपोजिशन के इल्जाम से हटकर 2 साल के अरसे में छठे आईजी पंजाब की तैनाती भी कोई अच्छा इशारा नहीं देती। इससे पुराना तासुर गहरा होता है कि पुलिस को सियासत से पाक नहीं किया जा सका। हकीकत ये है कि सियासी नारेबाजी तो होती रही मगर अभी तक इस्लाहात का मौसर अमल शुरू ही नहीं हो पाया। आज भी पुलिस के अफसरान और अहलकार मनपसंद जगहों और तैनाती के लिए सियासी पुश्त पनाही का सहारा लेते हैं। कारगर्दगी और अहलियत शायद किसी गिनती में शुमार नहीं होती। मोटरवे सानिया के बाद इस पुलिस अफसर की महज बातें ही नहीं बहुत से ऐसे मामलात और सरकारी रिकॉर्ड भी सामने आया है जिसे सानिया ही कहना चाहिए। ये बात भी किसी सानिया से कम नहीं है कि कोई एक्शन लेने की बजाय हुकूमती वजीर और मशीर मीडिया पर पुलिस अफसर की जात और उनके बयानात का दिफा करते दिखाई देते हैं। अहम बात यह है कि अगर सानिया साहिवाल ही की तरह शेखुपुरा मोटरवे की दरिंदगी भी पुलिस और अरबाब अख्तियार के अमूमी रवैये का शिकार हो गयी और हकीकी मुजरिमों को सुराग लगाकर उन्हें नमूना इबरत ना बनाया जा सका तो ये रूनमा होने वाले सानिया से भी बड़ा सानिया होगा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जल्द अज जल्द कानून साजी करते हुए इस घनौने जुर्म में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी शख्स को ऐसा करने की जुर्रत ना हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ।